आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ पूजा नेगी। मैं हूँ मनोज नेगी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है और आज जब हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम भगवान के आशीर्वाद से करते हैं। तो हम आज आपको दिखाएंगे स्कॉटलैंड में मंदिर कैसे होते हैं। हमें वहाँ पे परमिशन मिली कि मतलब अंदर हम कैमरा अलाउ है वहाँ पे, तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। और तो चलिए हमारे साथ बिल्कुल चलिए शुरुआत करते हैं आज की जर्नी की भोलेनाथ के नाम। बम बम भोले। यहाँ पे इतने सुंदर फूल लगे हैं ना, ना सुंदर नजारा है। ये है मंदिर का। ये है मंदिर। अब हम चलते हैं मंदिर। मंदिर का आई थिंक गेट इधर से ही शायद, इधर से। हाँ ये रहा रिसेप्शन का रास्ता। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर, तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं, देखते हैं रास्ता कहाँ से है। तो पहले रास्ता देखते हैं। इधर आप भी बने रहिएगा और मैं आपको दर्शन कराती हूँ। हम वैसे पहुंच गए हैं। दिस इज देखिए। आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? अरे हिरहट हो रही है। हिरहट क्या होता है ये? होपलेस। तो ऐसा बोलो ना, ये गढ़वाली टोन थी, थोड़ी सी हिरेराट हो रही है। और हिरेराट क्यों हो रही है वो भी बता दो। अरे ऐसे ही बहुत लोग हैं अंदर। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि हम लोग सीधे चले जाते हैं मंदिर में, लेकिन यहाँ पे यार बहुत सारे लोग हैं अंदर और इसलिए दोनों थोड़े से नर्वस हो रहे हैं। तो चलिए देख, तो चलिए अब हम जा रहे हैं अंदर। ये हम पहुंच गए हैं मंदिर। और मंदिर वैसे मेन मंदिर फर्स्ट फ्लोर पे है। यहाँ पे जब तक हम पहुंचे तब तक मंदिर क्लोज हो चुका था क्योंकि 8 बज गए थे। और यहाँ पे चल रहा है इस्कॉन का प्रोग्राम और ये साल में एक ही बार यहाँ पे आते हैं। इस्कॉन की जो संस्था है उसके लोग यहाँ पे साल में एक ही बार आते हैं और वी आर वेरी लकी क्योंकि हम लोग उस दिन पहुँचे और हम लोग
भी उस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाए तो हम बहुत लकी हैं, और हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया, और आप भी इन्जॉय कीजिए देख के। अभी चलते हैं हम सुपर स्टोर, देन उसके बाद हम जाएंगे घर। तो अभी थोड़ा सा आज बादल है, नहीं तो 10 बजे तक यहाँ धूप निकली रहती है, और अभी बादल हैं तो आप देख सकते हो अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बूंदे बूंदे सी गिर रही है। और अभी देखो मौसम यहाँ का कैसा हो रहा है। तो चलिए चलते हैं हम। घर नहीं, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब हम पहुंच गए सेंस फेरी, तो चलिए चलते हैं। रुक जाइए, गाड़ी आ रही है। शॉपिंग करने सेंस फेरी हम पहुंच गए। मिनट बचे, आई थिंक 5 मिनट 10 मिनट, गो टू द चॉपर। चेकआउट काउंटर पे, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ना सेल्फ का ऑप्शन है, आप सेल्फ चेकआउट कर सकते हो अपना सामान। ऐसे आपको स्कैन करना है और उसमें पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो आपको पेमेंट। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है, रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। वीडियो ना बनाई हमारी, प्लीज कैरी ऑन। चलो दूसरा गाना शुरू करते हैं अब। ये क्या बदतमीजी थी। अब पहुंच गए हैं अपने घर, चलिए चलते हैं घर। कॉम्प्लीमेंट्री बुक, सामान भी ले लिया, मंदिर भी होया है। और अगर हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।
और कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? बाय बाय नेगी जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब हम आ गए हैं घर पे। और आपको कैसा लगा मंदिर में आज? बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा है। ऐसा लगा मन को इतनी शांति मिलती है ना सच में मंदिर में जाके, बहुत ही अच्छा लगा। और एक जो डिवोटी थे ना वो कितने अच्छे थे वो, इन्होंने आज बहुत सारी बातें करी, एकदम बिल्कुल मतलब पूरा बताया हमें, पूरा एक्सप्लेन किया इसको। और उन्होंने हमें गिफ्ट के तौर पे बुक भी दी, गिफ्ट। हाँ हाँ पंडित जी, अच्छा पंडित जी थे, इस्कॉन के पंडित जी थे। ओके हाँ, तो उन्होंने हमें वो बुक्स गिफ्ट दी थी। बुक्स कहाँ रखी? आई थिंक उधर रख दी मैंने, मंदिर में रख दी वो बुक्स। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और आपको फिर कभी दिखाएंगे वो बुक्स। मंदिर में प्रसाद कैसा लगा आपको? प्रसाद बहुत ही अच्छा था, बहुत बहुत टेस्टी। और खिचड़ी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी ना खिचड़ी, बहुत ज्यादा टेस्टी थी। बिल्कुल, मंदिर का प्रसादम तो हमेशा इतना अच्छा ही होता है, प्रसाद तो कुछ भी दे दो तो अच्छा ही लगता है ना। तो आज पहला ब्लॉग था, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहूंगा कि दोस्तों बस सपोर्ट करते रहना, थोड़ा बहुत लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो, थोड़ा बहुत नहीं प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। और क्योंकि आपका बाय, मैं जा रहा हूँ एक सेकेंड, अभी पूरा मुझे बोलने तो दो, मैं जा रहा हूँ, पहले मुझे बोलने तो दो। तो प्लीज हमें बहुत सारा प्यार और अपना सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई काम की, नए काम की शुरुआत करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद, प्यार जरूरी है, और साथ में आपका भी प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार हमें दिखाइएगा और हमें अपना सपोर्ट दीजिएगा। तो हमारे चैनल को क्या कीजिए? लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड। चलिए मिलते हैं हम कल नई सुबह के साथ, नए एक नए ब्लॉग के साथ। तो इंजॉय कीजिए, आप भी मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय।